कश्मीर क्राउन पर प्रोग्राम कश्मीर आज सुनने वाले सभी नाजरीन का खैर मकदम। मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना वायरस से न सिर्फ दुनिया भर में दहशत है बल्कि भारत में भी इस वायरस से मुतअद्दिद अफराद मुस्बत पाए गए हैं। जम्मू के इलाके में भी कोरोना वायरस का एक मुस्बत केस सामने आया है। बताया जाता है जिन दो अफराद में ये केस मुस्बत पाया गया है वो दोनों बीरून मुल्क से यहाँ पहुँचे हैं। दोनों मरीजों को जम्मू और कश्मीर के मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है जहाँ इनका इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुज़िश्ता साल हुए हमले के मामले में NIA ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें से एक ने IED बनाने के लिए केमिकल की ऑनलाइन खरीदारी की थी। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर जम्मू व कश्मीर के जिला पुलवामा के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया और इनकी बातें सुनी। इस दौरान वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जन औषधि योजना से न सिर्फ मुल्क भर में फायदा हो रहा है बल्कि जम्मू व कश्मीर के लोग भी इससे मुस्तफी हो रहे हैं। खेलो इंडिया सरमाई खेल 2020 जम्मू व कश्मीर में मुनक्कद हो रहे हैं। खेलो इंडिया सरमाई खेल स्पोर्ट्स काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जेर एहतमाम हो रहे हैं। शुमाली कश्मीर में गुलमर्ग का मशहूर स्की रिजॉर्ट पहली मर्तबा खेलो इंडिया सरमाई खेल 2020 के दूसरे मरहले की मेज़बानी करने के लिए तैयार है जिसमें 7 से 11 मार्च तक होने वाले कौमी यूनिट में 900 के करीब शिरका हिस्सा लेंगे। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में झील वलूर से मुत्सल नाला मधुमती में दो नौजवान डूब गए जिसमें से एक को बचाया गया जबकि दूसरे शख्स की तलाश जारी है। जम्मू और कश्मीर की सियासी बिसात पर अल्ताफ बुखारी की क़यादत में एक और पार्टी की शुरुआत होने जा रही है। दफा 370 की मनसूखी के 7 माह बाद कश्मीर में आइंदा कल इतवार को पहली बार सियासी सरगर्मी का आगाज़ होने जा रहा है जिस दौरान PDP के बागी लीडर और जम्मू और कश्मीर के नामवर ताजिर अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के नाम से एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र कश्मीर के 4 अजला जिनमें श्रीनगर बारामूला बडगाम और बांडीपोरा में भी प्राइमरी सतह के स्कूलों को इंतजामिया ने बंद रखने की हिदायत दी है। प्रोग्राम कश्मीर आज में फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आशिक मीर को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।